तुमसे सच्चा प्यार हो गया मुझे अपनी घरवाली बना लो मुझे अपनी लुगाई बना लो मुझे अपनी बना लो। तो ये कौन सा प्यार है जो वायरस पैदा कर रहा है बटा सन्नाटा, जिसने कभी की शक्ल नहीं देखी वो एक ऐसी जिसने इतनी जल्दी पासपोर्ट बनवा लिया गाँव वालों को खबर नहीं खानदान वालों को खबर नहीं पति को खबर नहीं अड़ाब को खबर नहीं पाकिस्तान को खबर नहीं पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी को नहीं पता और जिस देश में आई जिस देश भारत में आई भारत को भी नहीं पता और वो भारत के राजधानी सटे हुए झाड़ू से बिछड़ा हुआ चूसा वाहम सचिन जो है प्यार के लिए सबसे पहले लड़की है, वो चेहरा देखती है लड़की जो खूबसूरती के पीछे बावली होती है लड़की जो बैंक बैलेंस देखती है यहाँ तो तमाम जगह नील बटा सन्नाटा है करियर कैरी मोहब्बत उसको मोहब्बत कहते हैं भक्त जो है भाभी 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 मिल 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 गए मिल गए मिल गए मिल गए, हो गए, अदर्टू, अदर्टू गए हैं चिल्ला तो रहे बेशक राष्ट्रीय भावच बनी होगी तरीके से मैं लेकिन लीगल तरीके से भारत की बेटी हूँ मेरे मुल्क की सिक्योरिटी पर मेरे मुल्क की गरिमा पर मेरे मुल्क के संविधान पे अगर बात आएगी तो तेरी जैसी मक्कार जासूस औरत को तो मैं इस तरह बेनकाब करूंगी योगी जी आप तो कह रहे थे का करेंगे आपने तो एक ऐसा कानून बनाया था जहाँ पर दो बच्चों से ज्यादा रखने वालों को वोट नहीं डालने देंगे आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देंगे

कहा जा रहा है कि वो मुसलमान है लेकिन उन्हें कलमा याद नहीं है और बल... आप पहले तो मैं ये कहूँगी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा भारत में जिस तरह मुद्दे चल रहे हैं दिल्ली को जिस तरह जबरदस्ती बिना बारिश के बाढ़ ग्रस्त करा जा रहा है और जिस तरह पूरा स्ट्रीम चैनल जो दिखा रहा है कि हम सीमा लिया है हम सीमा एक राष्ट्रीय भावज लिया है उठा के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास भक्तों का विकास जो ये सीमा भाभी है ये विकास की चाबी जो है वो सीमा भाभी को लेकर आ रहा है इसमें उनके ग्रुप की एक लड़की जो है दूसरी तरफ चली गई है ये तो अब तो स्कोर बराबर हो गया ना एक वो वहां से लेकर है कि यहाँ से अब तो मैच बिल्कुल तो बराबर चल रहा है टाइम में चल रहा है नहीं जब अगर ये खुश हो रहा है कि हमने पाकिस्तान की लड़की से घर वापसी कराई है तो हिंदुस्तान की एक लड़की भी रिसेंटली पाकिस्तान गई है कौन? तो अरे एक लड़की गई है ना एक वो, भी गेम, खेलते खेलते वो भी।, भी गेम वो तो गेम खेलते खेलते नहीं गई वो तो खैर बिल्कुल जैनवन मोहब्बत करी उन्होंने वो तो एक प्रॉपर चैनल से गई वीजा लेके गई लेकिन ये भगौड़ी तो इलीगल तरीके से नेपाल के साथ नेपाल की सरहदों को लांगती हुई सुरक्षा का तो मसला है ना कि एक लड़की पचास दिन से भारत में है चार बच्चों के साथ और भारतीय एजेंसियों को नहीं पता होता है, नहीं भारत सरकार को नहीं के मीडिया को। तो ये तो भारत का डंका बचने के बजाय लंका लग गई ना मेरे भाई मतलब एक लड़की गाँव स्कूल की शक्ल नहीं देखी वो अलग बात है पास अपना मकान ऐसे बेच के चली आती की इतनी जल्दी पांच किलो आम नहीं बेच सकती जितनी जल्दी मकान बेच दिया वो एक ऐसी औरत जिसने इतनी जल्दी पासपोर्ट बनवा लिए गाँव वालों को खबर नहीं खानदान वालों को खबर नहीं पति को खबर नहीं अड़ासी को

एक तरह का मजाक उड़ाया गया एक गांव की औरत जहां जिसने और... और अपना जिस तरीके से वहाँ मीडिया में बता रही है ताकि और लोग भी सुने और किस तरीके से एंट्री हो सकती नहीं देखे? नहीं देखिए ना मैं तो कह रही हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में पहले पासपोर्ट चलता था और वीजा चलता था मोदी जी ने और भक्तों ने अब उस वीजा का नाम रख दिया पबजी कोई भी पबजी खेले और अपनी और किसी के साथ ही भाग जाए मतलब पबजी एक वीजा का नाम हो गया आप पबजी खेलिए पबजी आपको रास्ता बताएगा पबजी आपका मकान बिकवाएगा पबजी आपको पासपोर्ट भी बनवा के देगा पबजी आपको एक इलीगल मुल्क बताएगा जहाँ से आप घुस के तमाम अपने आशिक तक पहुँच सकते हैं क्या बकवास है किसको भी वो बना रहे हो मतलब नेपाल जहाँ से हमारी फर्जी करेंसी आती है नेपाल जहाँ पर भारत के तमाम जितने भी माफिया हैं लुच्चे हैं लफंगे ज्यादा के पना पाते हैं वो भारत की विकास की चाबी भक्तों की सीमा भाभी नेपाल से भाग के हिंदुस्तान आई है लेकिन, लेकिन, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा प्यार अंधा होता है ठीक है उसमें कुछ नहीं दिखता ऐसा ही 1900

मोहब्बत मोहब्बत इसको मोहब्बत कहते हैं ना तो लड़का अमीर है और तू खुद अपना अठारह उन्नीस लाख खर्च करके यहाँ पर पहुंची है। और जिस तरह पहुंचे भक्त जो है हाँ भाभी मिल गयी भाभी मिल गयी भाभी मिल गयी घर वापसी हो गई गदर गदर टू टू करके चिल्ला रहे हैं तो सबसे पहले तो मोदी जी से एए, कहो एए, ना प्रमोशन तो नहीं हो रहा अरे ये गदर टू का प्रमोशन है जिस तरह भक्तों ने अपनी चटिया फाड़ डाली थी पठान मूवी पे आपने देखा था किस तरह चटिया फाड़ी थी किस तरह धमकी दे रहा था आर किस तरह शाहरुख खान की जो अर्थियां फूकी जा रही थी किस तरह शाहरुख खान को पाकिस्तान भेजा जा रहा था और कहा था कि गदर हम जो है वो पठान को रिलीज नहीं होने देंगे हम पठान को हिट नहीं देने देंगे हम शाहरुख खान को चने भिगवा देंगे धनिया भिगवा देंगे और खुद इनके प्यास कटी सब ने देखा लेकिन... अब ये गदर टू का प्रमोशन करा इसीलिए कह रहे हैं गदर टू की भाव वापसी हो गई गदर टू फिल्म है गदर टू फिल्म है तो मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने गदर टू की है या ये एक हजार परसेंट पाकिस्तान की जासूस है और अगर सही मायने में खुदाई करी जाए सचिन को पकड़कर और इस सीमा बलोच को पकड़कर तो ये बच्चे जो लेकर आई है ये फिल्मों वाले बच्चे जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते शाहरुख सलमान के बच्चे बन जाते हैं सलमान खान के बच्चे बन जाते हैं ऐश्वर्या के जवान जवान बच्चे बन जाते हैं तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी के किराए पर उठा के लेकर आए सच्चा प्यार उसे तब हुआ जब चार बच्चे हो चुके थे अब इसके बाद क्या होगा? नहीं नहीं तो सच्चा प्यार तो इसको गुलाम बलो से भी हुआ था जो उसकी मोहब्बत में बर्बाद होकर सऊदी अरब में पत्थर तोड़ रहा है है ना तो सच्चा प्यार तुझे कितनी बार सच्चा प्यार होगा वो तेरी कौन सी के तो मिठने को तैयार नहीं है नहीं। वो ऐसी कौन सी तेरी मतलब आग है जो शांति नहीं हो रही हर मर्द को तू कहती सच्चा प्यार हो गया पबजी इसने पाकिस्तान के बीस लड़कों के साथ खेली है सब स्क्रीन दिखा रहे हैं सबसे ये कह रखे मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया मुझे अपनी घर बना लो मुझे अपनी लुगाई बना लो मुझे अपनी माशु बना लो तो ये कौन सा प्यार है कौन सा करप्ट फोल्डर है जो बार बार मोहब्बत के वायरस पैदा

पैदा करके तो वो कौन से मुल्ला हैं जिनका पेंच टाइट कर रहे हैं यानी सचिन एक ऐसा हिजड़ाई मैं तो हिजड़ाई कहूंगी माफ करना तमाम समाज थर्ड जेंडर मुझे माफ करना लेकिन ये हिजड़ा है ये नपुंसक है जिसको भारत की कोई अंधी कणी लंगड़ी लूली तक देने को तैयार था इसीलिए पाकिस्तान की मुल्ली उठा के लाया वो भी चार बच्चों की एक्सपायरी औरत लेकिन आप कह रही हैं कि पाकिस्तान से उठा के लाया तो ये भी तो काबिलियत है ना कि पाकिस्तान दूसरे देश ने लड़की दे दी पाकिस्तान ने नहीं दी मैं तो कह रही पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी को नहीं पता पासपोर्ट बन जाता है वहाँ पर कोई भाई पासपोर्ट बना कुछ तो इंक्वायरी हुई होगी ना वहाँ पर पासपोर्ट रातों रात बनवा लेती है चार पासपोर्ट पांच पासपोर्ट बनवाना मायने रखता है हसन और मैं मतलब मुझे आज दुनिया जानती है और उसके बावजूद मेरा तीन बार पासपोर्ट पे जो है कैंसिलेशन जा चुका है तीन बार वो आता है बंद और कैंसिल करके चला जाता है मुझे जिसको दुनिया जानती है एक एक बच्चा जानता है किसे पूछ लो जी वो बता देगा मेरा हिंदुस्तान में पासपोर्ट नहीं बना जो कि मेरा जन्म अधिकार है और वहां पर इस औरत का पासपोर्ट बन जाता है इसका ही नहीं बनता इसके चार बच्चों का भी बन जाता एक औरत चार बच्चे पा रही है उसको नहीं रहता टाइम और ये कह रही है हम सारे रात तो हम पबजी खेलते थे सारे दिन हम सचिन से बात करते थे लास्ट लास सवाल है आपसे लास्ट कमेंट है वो आपने थर्ड जेंडर की बात की ठरकी उसे कह रही है एक औरत के लिए बारे में वो बोले की तो बारे ही बारे ही। बोल आप इंस्टाग्राम पे मेरे लिए बोल रही भारत में एक मुस्लिम औरत मेरे बारे में बोल रही है हाँ मैं बोल रही हूँ तू बेशक राष्ट्रीय भावच बनी होगी इन तरीके से मैं लेकिन लीगल तरीके से भारत की बेटी हूँ मैं लीगल तरीके से भारत की बेटी हूँ मेरे मुल्क की सिक्योरिटी पर मेरे मुल्क की गरिमा पर मेरे मुल्क के संविधान पे अगर बात आएगी तो तेरी जैसी मक्कार जासूस औरत को मैं इसी तरह बेनकाब करूंगी ये कहीं ना कोई बहुत बड़ी साजिश बहुत बड़ी साजिश है ये और इसको एक मजाक में ना लिया जाए इसको मोहब्बत में ना लिया जाए इसको सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाए और इसकी छानबीन हो क्योंकि ये मेरे देश की सुरक्षा का मामला है